Bismillahirrahmanirrahim. Student, welcome to the class. Today we will discuss about the exercise 5.3. We have to fit price different equation. Also, you will understand exercise 5.1 and 5.2. In 5.2, we will go for some different strategy for the factorization of the equation. In this equation, you can see there are three quantities. And in these three quantities, these are the number is not the whole square. 5.1 और 5.2 में आपने जितने क्वेश्चन देखे हैं वहाँ पे जो नंबर गिवन था वो किसी ने किसी क्वांटिटी का होल स्केयर बन रहा था, यहाँ पे किसी भी क्वांटिटी का होल स्केयर नहीं बन रहा. एंड सेकंड थिंग इज दैट कि इसमें तीन क्वांटिटीज मौजूद हैं. तो अब हम इसको किस स्ट्रेटेजी से सॉल्व करेंगे, प्लीज सी इट. फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इसमें दो चीजें समझने की जरूरत है, सम एंड प्रोडक्ट. सम एंड प्रोडक्ट, ठीक है. Now what is the sum of this equation? ये वो number, वो numerical value जो कि x के साथ लिखी होगी, that is the sum. और वो numerical value जो कि आपके पास constant है, that constant और ये जो पहले के साथ लिखी, जैसे आप इसका coefficient 1 है, इसका coefficient 12 है, तो 12 multiplied by 1, so the product of this equation is 12. और जो x के साथ coefficient लिखा है ये sum है, ठीक है. पहला और आखिरी coefficient आपने देख रहे हैं, उनको multiply करना, that is the product. और जो मिड वाला x के साथ जो कोफिशिएंट लिखे है वो आपके पास है सम, ठीक है. इसमें जो स्ट्रेटजी इस्तेमाल करेंगे उसको हम बोलते हैं मिड टर्म ब्रेकिंग. दिस इज द मिड टर्म, वी विल ब्रेक इट आउट, मिड टर्म ब्रेकिंग, ठीक है. इसको हम जिस स्ट्रेटजी से सॉल्व कर रहे हैं दैट इज मिड टर्म ब्रेकिंग, ठीक है. व्हाट इज मिड टर्म ब्रेकिंग? मिड टर्म ब्रेकिंग इज दैट वी विल स्प्लिट दिस वैल्यू इनटू टू नंबर्स. And what are these two numbers? वो दो नंबर कैसे होने चाहिए? वो दो नंबर ऐसे होने चाहिए जिनको multiply करो तो product मिल जाए, add करो तो sum मिल जाए. यानी कि ऐसे दो नंबर जिनको आप multiply करो तो आपको वो value मिले जो product की है, और उनको add करो तो वो दो value मिले जो कि sum की है, like 3 and 4. आप इन दो नंबर को multiply कर सकते हो 3 and 4, it will give you 12. अगर आप इनको add करोगे 7 मिलेगा, लेकिन हमें चाहिए -7. So I will put minus sign with both of them. Minus 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 3 4 are 12. तो आपको 12 भी मिल जाएगा, और आपको जब इनको add करेंगे तो हमें -7 भी मिल जाएगा, ठीक है. Now I will x square minus 3x minus 4x plus 12. आप देख सकते हैं कि मैंने -7 को दो वैल्यू में स्प्लिट कर दिया इन दो नंबर्स में. नंबर आपको सम और प्रोडक्ट देके सोचना पड़ेगा, और फिर मिड टर्म ब्रेकिंग करनी है. मिड वैल्यू को स्प्लिट करके अब आप ये देखिए, मैंने जो दो वैल्यू स्प्लिट किया वो उसी के बराबर है, -7 ही, -3 और -4 से -7 ही मिलेगा, लेकिन इनको मैंने क्या किया, स्प्लिट कर दिया. अब आप पेयरिंग कर लोगे कॉमन लेने के लिए, इन दो वैल्यू को और इन दो वैल्यू को हम पेयर कर लेते हैं. आप यहां से देख सकते हैं कि पहली दो वैल्यू में x कॉमन आता है तो x माइनस 3, दूसरी दो वैल्यू में माइनस 4 कॉमन आता है, माइनस साइन कॉमन लिया अंदर साइन चेंज हो जाएगा 3. अगर आपने ये मिड टर्म ब्रैकेट ठीक की है, अगर आपने ये दो नंबर ठीक सोचे हैं तो ये वैल्यू जरूर सेम आएगी. अगर ये वैल्यू सेम नहीं आ रही इसका मतलब है आपने कोई ना कोई मिस्टेक जरूर की है, ठीक है. अब आप यहाँ पे देख सकते हैं x माइनस 3 कॉमन हो जाएगा, और यहाँ पे आपके पास x माइनस 4. अब ये जो आपके पास सम की फॉर्म में है ये सम से चेंज होके किस पे चला गया, मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में. हमने क्या किया, सम और प्रोडक्ट में से मिड टर्म को ब्रेक किया, दिस इज कॉल्ड मिड टर्म ब्रेकिंग. अच्छा, नाउ आई विल गो टू द फॉर द सेकंड क्वेश्चन. यू सी दैट द आप इसकी जो मिड वैल्यू कोफिशिएंट x के साथ दैट इज 1. सो इसका मतलब है इस वैल्यू का जो सम है वो क्या है, 1 है, और प्रोडक्ट -12 और इसका कोफिशिएंट 1, -12 मल्टीप्लाई बाय 1 -12. सबसे पहले जो ही आप इक्वेशन देखोगे मिड टर्म ब्रेकिंग की, तो आपने सबसे पहले सम और प्रोडक्ट अप साइड पे लिखने हैं, ठीक है. सम और प्रोडक्ट लिखने के बाद दोनों नंबरों के बारे में सोचना है. आप प्रोडक्ट को सोचो, 12 की तरह का 3 4 का 12 होता है, 3 एंड 4, ठीक है, 3 4 का 12. लेकिन आपको -12 चाहिए इसकी किसी एक वैल्यू के साथ, या 3 के साथ या 4 के साथ आपको माइनस साइन पुट करना पड़ेगा. अब सम में आपको +1 चाहिए, तो फिर आप बड़ी वैल्यू के साथ प्लस, छोटी वैल्यू के साथ माइनस लगा दो. 4 माइनस 3 आपको +1 भी मिलेगा, और 3 मल्टीप्लाई बाय 4 आपको -12 भी मिलेगा. अब मैंने मिड टर्म को स्प्लिट करना है, मिड टर्म को कैसे स्प्लिट करूंगा, x स्क्वायर 4x माइनस 3x,
आप देख सकते हैं कि प्लस एक्स है 4x माइनस 3x आपको प्लस एक्स ही देंगे। अब हम वेरिएंट कर लेते हैं, पहले दोनों में से x कॉमन आ जाएगा x प्लस 4, अगले दोनों में से माइनस 3 कॉमन आ जाएगा x प्लस 4। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो कॉमन एलिमेंट है दैट इज x प्लस 4, x प्लस 4 जो है कॉमन एलिमेंट है। तो अब जी सेम आ गए, मैंने बिल्कुल ठीक की है इसलिए ये सेम आ गया। अगर कहीं भी आप मिस्टेक करेंगे तो ये वैल्यू सेम नहीं आएगी। अब मैं x प्लस 4 को कॉमन ले लेता हूँ, यहाँ पे आपके पास सिर्फ x बच जाएगा, यहाँ पे आपके पास सिर्फ माइनस 3 बच जाएगा, इस तरह ये आपके पास फैक्टराइज हो गया है। क्वेश्चन नंबर 3 इज दैट 20 माइनस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, मिड वैल्यू को देखो इसका कोफिशिएंट है माइनस 1, इसका मतलब है आपके पास जो सम है वो है माइनस 1। इधर आपके पास कोफिशिएंट 20 है, अगर माइनस 1 है 20 मल्टीप्लाई में माइनस 1, इसका प्रोडक्ट है पहले और आखिरी कोफिशिएंट का मल्टीप्लीकेशन है दैट इज माइनस 20। तो आपने दो नंबर सोचने जो कि आपको 20 भी दें और माइनस 1 भी, डेफिनेटली 20 को देख के आपके जहन में आ जाना चाहिए 4 5 का 20 होता है, ठीक है। लेकिन इससे आपने 1 माइनस 1 कैसे बनाओगे? माइनस 1 बनाने का तरीका ये कि आप बड़ी वैल्यू के साथ माइनस साइन डाल दो, मैं इसका माइनस साइन डाल देता हूँ, इसके साथ प्लस साइन डाल सकता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि मैंने इस टर्म को ब्रेक करके ये दो नंबर बनाने हैं, कौन से दो नंबर बनाने हैं, एक 4x और एक माइनस 5x। तो आई विल राइट 20 प्लस 4x माइनस 5x माइनस एक्स स्क्वायर। और आप ये यहाँ से देख भी सकते हैं कि माइनस 5 प्लस 4 ये आपको माइनस एक्स ही देगा। तो मिड टर्म को ब्रेक करके ऐसे दो नंबर बनाने जो उससे वापस वही मिले, और इस तरह बनाने की मल्टीप्लीकेशन वाली चीज भी मिले ताकि आपको सेम आंसर मिल सके। अब मैं दोनों में से 5 कॉमन ले लेता हूँ, आपको यहाँ पे 4 बच जाएगा, सॉरी आई विल मैं 4 कॉमन ले लेता हूँ, सॉरी यहाँ पे 5 बच जाएगा और यहाँ पर आपके पास बच जाएगा एक्स, ठीक है। और यहाँ से मैं माइनस एक्स कॉमन ले लेता हूँ, यहाँ पे 5 बच जाएगा और यहाँ पे आपके पास एक्स बच जाएगा। अब आप एक कोफिशिएंट जो इक्वेशन कॉमन जो आ रही है दैट इज 5 प्लस एक्स, और जो दूसरी इक्वेशन आ रही है दैट इज 4 माइनस एक्स, अब ये मल्टीप्लीकेशन की फॉर्म में चला गया, सो इट विल बी फैक्टराइज्ड। In this question, you can see that mid value had the coefficient of minus 7. So sum of this equation is minus 7 and the multiplication of first and last coefficient. पहले और आखिरी coefficient का multiplication 2, 3 are 6, ठीक है। तो अब आपने दो ऐसे नंबर बना दिए जिनकी मल्टीप्लीकेशन से आपको 6 भी मिले और आपको 7 भी मिले। 2, 3 are 6 होते हैं, 2 × 3 = 6, लेकिन ये आपको या 5 दे सकते हैं या 1 दे सकते हैं, कभी भी आपको माइनस 7 नहीं दे सकते, इसलिए ये मल्टीप्लीकेशन हम इस्तेमाल नहीं करेंगे। 6 के दो कोर फैक्टर हैं 6 × 1, 6 × 1 = 6, 6 और 1 आपको माइनस 7 दे सकते हैं, कैसे, आप इन दोनों से माइनस साइन लगाएं, अब अगर ये ऐड होंगे तो आपको माइनस 7 देंगे। सो दीज आर द टू नंबर विच वी विल यूज इन द वैल्यू इन द मिड टर्म, आर वी विल ब्रेक इट 2y² माइनस 7 की जगह हम माइनस 6y एंड माइनस 1y प्लस 3 ले देंगे। नाउ आई विल टेक कॉमन 2y, इट विल बी y माइनस 3, एंड माइनस 1 कॉमन ले लेंगे, इट विल बी y माइनस 3। सो y माइनस 3 इट इज कॉमन एंड 2y हियर इट इज 2y एंड माइनस 1। तो अब आप देख सकते हैं कि y माइनस 3 मैंने ले ली है, यहाँ पे 2y बच गया और यहाँ पे माइनस 1, तो ये सम से प्रोडक्ट की फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, सो इट इज फैक्टराइज्ड। ओके, इन दिस क्वेश्चन द सम ऑफ दिस इक्वेशन इज 8 व्हाइल द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट कोफिशिएंट 4, 3 are 12, ठीक है। अब आपको कुछ ऐसे फैक्टर चाहिए जिनसे आपको 12 और 8 मिले। लेट्स सपोज मैं आपको बताता हूँ कि हम इससे पहले 4, 3 लेते रहे हैं, बट इट कैन नॉट बी यूज बिकॉज़ इट कैन गिव अस 7 और 1, ठीक है। 12 मल्टीप्लाई बाय 1 भी होता है, लेकिन हम इनको इस्तेमाल नहीं कर सकते। हम जिस फैक्टर को इस्तेमाल करेंगे वो है 6 × 2, 6 एंड 2 दीज आर द टू फैक्टर्स व्हिच विल गिव अस 12 एंड आल्सो 8। 6 प्लस 2 आपको 8 भी मिलेगा और 6 × 2 आपको 12 भी मिलेगा। अगर यहाँ पे आपके पास 1 होता तो हम फिर 4, 3 को या 7 होता तो हम 4, 3 को इस्तेमाल कर सकते थे। नाउ आई विल राइट व्हाट आई विल राइट 4x² 8x की जगह पे हम 6x एंड 2x लिख देंगे। नाउ इट इज 3, अब इधर से मैं 2x कॉमन ले लेता हूँ, 2x प्लस 3 ये रह जाएगा, यहाँ से कुछ कॉमन नहीं आता, जब कुछ कॉमन नहीं आता तो फिर हम 1 लेंगे, इट इज 2x प्लस 3। तो देखें आप दोनों कॉमन आ गए हैं,
क्या क्या चीज कॉमन आ गई है, एक टू एक्स प्लस थ्री कॉमन आ गई है और एक टू एक्स प्लस वन. सो दीज आर द टू मल्टीप्लाइड फैक्टर विच सो इट इज फैक्टराइज बिकॉज फर्स्ट इट वॉज इन द फॉर्म ऑफ सम, नाउ इट इज इन द फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट. सो दीज आर द फाइव क्वेश्चन फॉर एक्सरसाइज 5.3. यू कैन आस्क एनी क्वेश्चन इफ यू हैव एनी कन्फ्यूजन एंड ऑल्सो यू हैव टू प्रैक्टिस दिस ऑन योर नीट नोटबुक. थैंक यू वेरी मच. अल्लाह हाफिज़.